circular angular speed, angular displacement or angular velocity, दो चीजें define की थी और आपको formula बताया था v is equal to r omega. आज थोड़ा उसको और explore कर लेते हैं अच्छी तरह से, ठीक है? तो सबसे पहले start करते हैं uniform circular motion आती है ना आपको? Circular motion या फिर आप कह सकते हैं मैंने object moves in a circle with uniform speed, ठीक है? But variable velocity it is having uniform circular motion. I told you three characteristics of uniform circular motion. कौन बताएगा? There are three characteristics of circular uniform circular motion. क्या है? Uniform speed, non-uniform velocity और क्योंकि velocity non-uniform है, variable है, तो accelerated motion है. और इस केस में जो acceleration होती है, we call it centripetal acceleration. It is acceleration necessary for a body to move in a circle. ठीक है, without this much acceleration, an object cannot move in a circle. For example, आप साइकिल चला रहे हो, ठीक है? आप साइकिल से सर्कुलर टर्न ले रहे हो, तो यू बेंड योर सेल्फ थोड़ा सा, आपको टिल्ट कर देते हो, सो दैट यू प्रोवाइड योर सेल्फ दैट नेसेसरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन with the help of which you are able to move along the circular path. You will notice that if you stop pedaling, अगर आप pedaling बंद कर दो, आप circle में cycle चला रहे थे, तो क्या आप ऐसे ऐसे करके rest पे आओगे? क्या होगा? अब आप straight line में जाना start कर दोगे, you will go tangentially now. तो इसका मतलब जब आपने pedaling stop कर दी, आपने अपने आप को tilt करना बंद कर दिया, आपको centripetal acceleration नहीं मिल रही है अब, and you no more will be moving in a circular path. You won't be able to move in a circle now. अब आप straight line में जाना start कर दोगे. That means centripetal acceleration or centripetal force is necessary for a body to move in a circle. अगर वो नहीं मिल रहा तो आपका, अगर आज gravitational force ना रहे तो moon जो है वो earth के around move नहीं कर सकता, circle में move नहीं कर सकता. It will start falling towards earth under gravity, right? तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इट इज सफिशिएंट इनफ दैट इट इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स टू द सिस्टम. सो बिकॉज ऑफ दैट मून इज एंडलेसली ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ, राइट? चलिए, वो हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. आपने इसके एग्जांपल बताए थे, मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, मोशन ऑफ फैन एट अ पर्टिकुलर स्पीड, बहुत सारे एग्जांपल थे. डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड टू दिस आर, फर्स्ट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, also called simply theta angle. Angular displacement is also simply called angle and denoted by symbol theta. We have a circle जिसके अराउंड ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, जिसका सेंटर है, ठीक है? और दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. सो ऑफ कोर्स देयर आर टू पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अ टाइम टी. एक टाइम टी में ऑब्जेक्ट टी से क्यू पे चली जाती और कितना एंगल सेंटर करती है, सेंटर पे सपोज थीटा, सपोज थीटा एंगल, और लेंथ ऑफ आर्क इज सपोज एल, सपोज द लेंथ ऑफ आर्क इज एल, तो ये एंगल का फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर. एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, लेंथ ऑफ आर्क टू रेडियस ऑफ द सर्कल. तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं एंगल का या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को यूजिंग दिस फॉर्मूला? एंगल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क टू रेडियस ऑफ द सर्कल. मतलब बस इसी को आपने वर्ड्स में बोला, ठीक है? लिखा हुआ नहीं पहले, तो जस्ट हम रिवाइज कर लेंगे. सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क टू द रेडियस ऑफ सर्कल, फाइन? इसका यूनिट क्या है एंगल का? स्टैंडर्ड यूनिट रेडियन, डिग्री नहीं है, रेडियन. सो एसआई यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियन. एंगल और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट है रेडियन. डिग्री में भी हम एंगल एक्सप्रेस करते हैं, बट स्टैंडर्ड यूनिट इसका रेडियन. अगर डिग्री में गिवन हो तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं रेडियन में. इफ यू वांट आई कैन टेल यू द फॉर्मूला हाउ टू कन्वर्ट दैट. 1 डिग्री इज पाई बाय 180 रेडियन. अगर डिग्री में दिया हुआ है आप उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो, रेडियन में आ जाओ. चलो फिलहाल 9th सिलेबस में नहीं है ये आपके, फर्स्ट
डेफिनेशन क्लियर होगी आपको, राइट? अगर हम पूरे सर्कल की लेंथ ले लें, इफ वी वांट टू फाइंड टोटल एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, सपोज ऑब्जेक्ट पूरे सर्कमफेरेंस के ऊपर घूम रहा है, तो कितना होगा हमारा डिस्टेंस एल, लेंथ ऑफ आर्क कितनी होगी, लेंथ ऑफ सर्कल कितनी होगी इक्वल टू सर्कमफेरेंस, हाउ मच इज दैट, पाई आर, पाई आर, तो ये लिख लो, तब आपका कितना होगा 2 पाई आर ओवर टाइम ओवर रेडियस, ठीक है, तो ये कितना आ गया 2 पाई रेडियन, that means what is the total angle subtended at the center of a circle, that is 2 pi radian, तो 2 pi radian is the total angle subtended at the center. अब आते हैं नेक्स्ट है एंगुलर वेलोसिटी. नेक्स्ट इज एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा. इसका सिंबल डब्ल्यू नहीं है, हम ये ग्रीक लेटर है ओमेगा बोलते हैं इसको. इट लुक्स लाइक डब्ल्यू बट दिस इज ओमेगा, थोड़ा सा इटैलिक में डालो. अब एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, लाइक लीनियर वेलोसिटी सिंपल वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम. सेम वे एंगुलर वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सो दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को एंगल बोलते हैं, एंगुलर एंगुलर आपको भी पॉइंट चाहिए, आपको जरूर चाहिए. एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, सिंबल्स में एंगुलर वेलोसिटी इज एंगल ओवर टाइम, ये बन गया इसका बेसिक फॉर्मूला, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा ओवर टी. तो व्हाट विल बी इट्स यूनिट, एंगल का यूनिट है रेडियन, टाइम का यूनिट है सेकेंड, तो रेडियन पर सेकेंड, so radian per second is the SI unit of angular velocity. Angular velocity. सीधे बैठो. ये RAD इसका सिंबल है, रेडियन अदरवाइज पूरा वर्ड है हम प्रोनाउंस करते, आप इसको RAD भी लिखते हो, जैसे सेकेंड को S लिखते हो ना, रेडियन को RAD लिखते हो, हाँ शॉर्ट फॉर्म, अकेला R नहीं लिख सकते, RAD लिखते. Now, let us find out एंगुलर स्पीड इन वन कंप्लीट रोटेशन. अब वन कंप्लीट राउंड है, यस यू, वन कंप्लीट राउंड है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन राउंड इज कॉल्ड टाइम पीरियड, हम पुट करेंगे टी को टाइम पीरियड. टाइम टेकन टू कंप्लीट वन राउंड, इफ वी आर टेकिंग वन कंप्लीट राउंड ऑफ बॉडी अराउंड द सेंटर, तो कितना एंगल सबटेंड हो रहा सेंटर पे, अभी हमने कैलकुलेट किया 2 पाई, तो आपका ओमेगा का फॉर्मूला बन जाएगा 2 पाई बाय टी, योर ओमेगा विल बी इक्वल टू 2 पाई बाय टी. तो ये दो फॉर्मूले ओमेगा के नोट कर लो, थीटा ओवर टाइम भी जनरल है और 2 पाई बाय टी आल्सो भी यूज. हाँ यूनिट वही है, यूनिट रेडियन पर सेकेंड ही रहेगा. इज दैट फाइन, दोनों फॉर्मूले क्लियर हैं, लेट अस यूज इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. एंड ऑल्सो यू नो द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, क्या होता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, धैर्य, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड व्हाट इज दैट, एट्थ में पढ़ा हुआ है आपने, आप बताओ, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, नहीं पता,
फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो अगर हम ओमेगा को 2 पाई बाय टी को ऐसे लिख सकते हैं 1/T, 2 पाई बाय टी को सेपरेट 1/T से मल्टीप्लाई लिख सकते हैं। नाउ व्हाट इज 1/T एफ, सो वन मोर फॉर्मूला ऑफ ओमेगा बिकम्स 2 पाई एफ, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। वन मोर फॉर्मूला वी गेट 2 पाई एफ। गॉट इट नाउ? फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ राउंड्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। लिख लो फ्रीक्वेंसी 2 पाई बाय टी को हम लिख सकते हैं 2 पाई इंटू 1/T, उसी को लिख लो फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ राउंड्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। Number of rounds completed in 1 second. Time taken to complete one round is called time period, and number of rounds completed in 1 second is called frequency. तो ये हो गया इनका relation. अब omega और linear velocity v में relation किया था हमने, derive किया था v is equal to r omega. Derive नहीं करवाया था शायद मैंने, क्योंकि NCERT में नहीं गिवन है और आपका आना भी मल्टीपल चॉइस है। अब अगर आप चाहते हो तो मैं करवाया था बस, ठीक है तो मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। सर ने करवा ही दिया आपको वैसे भी, है ना? तो आपने बस उसमें 3 फॉर्मूले यही वाले यूज करने हैं, घूम घुमा के आपका ये आ जाएगा v इज इक्वल टू आर ओमेगा। यू शुड जस्ट नोट डाउन दिस रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन, वेयर व्हाट इज आर रेडियस ऑफ द सर्कल। आर क्या हमने लिया हुआ है, रेडियस ऑफ द सर्कल। सो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। वी आपकी वो अभी तक जो वेलोसिटी कर रहे थे लीनियर वेलोसिटी है वो, जिसको हम अकेली वेलोसिटी भी बोलते हैं, और ओमेगा क्या है एंगुलर वेलोसिटी। सो रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। बैग इज पैक्ड। कॉपी कहाँ है आपकी, वेयर यू आर नोटिंग डाउन? ओके फाइन, नाउ लेट्स डू स्मॉल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला। राइट फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ, कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस। Calculate the angular velocity of Earth around its axis. इसके लिए आपको टाइम पीरियड पता होना चाहिए। Do you know what is the time period of Earth around the axis? 24 hours में कंप्लीट करती है ना वन राउंड, तो टाइम हमें पता है। एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, वी कैन यूज दिस रिलेशन, पुट इट हियर, बट यू विल पुट इन सेकेंड्स। तो कन्वर्ट दिस 24 आवर्स इन टू सेकेंड। 1 hour is 3600 seconds, ठीक है? तो ये 1 day हो गया ना आपका, 1 day in second हो गया। यूनिट के साथ, यूनिट ऑफ ओमेगा इज रेडियन पर सेकेंड। सो दिस इज द आंसर, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस। ऐसे ही रहने दो, कोई बात नहीं, आप ऐसे ही छोड़ भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम। दैट डिपेंड्स, अब तो एमसीक्यूज ही आने हैं कि आपको ऑप्शंस कैसे दी हुई हैं। वैसे एंगुलर स्पीड के लिए पाई ऐसे ही रहने देते हैं। आएंगे, मैंने यही कहा है कि साइंस में दिए हुए हैं सर्चन रीजन, साइंस में आएंगे आपको। केस स्टडी भी आएगा और केस स्टडी फिजिक्स का है। नाइन्थ के देख लेते हैं, वैसे हम टेंथ का पैटर्न फॉलो करेंगे, टेंथ का आगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ अराउंड द सन। नेक्स्ट पार्ट, अब जिसका मर्जी फाइंड कर लो, आपको बस टाइम पीरियड चाहिए। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ अराउंड द सन। नाउ व्हाट इज द टाइम पीरियड इन दिस केस? 365 डेज को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको।
365 days. One day is 24 hours and 1 hour is 3600 seconds. अब इसको पुट करो 512 कुछ जो भी आएगा आपका देखो मल्टीप्लाई करके वो यहाँ पे पुट करिए फिर 2 से कैंसिल आउट कर दो हाँ यही कर दो फिर कैंसिल आउट कर दो अब पाई ओवर कितना आ रहा है वो देखो अगेन द यूनिट विल बी रेडियन पर हाँ जी सर्कल में क्यों करती नहीं नहीं वो सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है सन के अराउंड जब अर्थ मूव करती है प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं वो इलिप्स में एक्चुअली मूव कर रहे हैं एक्सिस के अराउंड तो सर्कुलर ही है बट चलो उसमें भी हम लगा रहे हैं ना ये सन का ही कर रहे हैं हम इसको सर्कल एज्यूम कर रहे हैं फॉर मैथमेटिकल पर्पस We assume the elliptical path to be circular for simple calculation. अगर हम इसको ellipse लेके चलें तो calculations बहुत ही complicated हो तो आपने अभी circular लेके ही चलना है. Next अब करिए find angular speed of seconds hand of a clock, minute hand and hour hand. अब ये भी निकालने हैं हम कैलकुलेट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दीज थ्री हैंड्स आल्सो वन बाय वन अब निकालिए एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकंड्स हैंड ऑफ अ क्लॉक नहीं नहीं ये नहीं कुछ और है हाँ 512 कुछ ऐसे है हाँ 157.68000 रेडियन पर सेकंड दिस इज द आंसर You can also express it in scientific notation. कि first digit के बाद decimal और into 10 की power. तो 1.57 into 10 is power 7 हो जाएगा वो. Like that also. But otherwise you can leave up to here. चलिए अब seconds hand. Find angular velocity of seconds hand of a clock. Find the angular velocity of seconds hand of a clock. Seconds hand जो छोटी वाली hand होती है. वो एक राउंड कितने टाइम में कंप्लीट करती है 60 सेकंड 1 मिनट 60 सेकंड ठीक है तो आपका इन दिस केस टाइम पीरियड इज 60 सेकंड्स सो फर्स्ट पार्ट वी आर डूइंग सेकंड्स हैंड टाइम पीरियड इज 60 सेकंड्स और 1 मिनट तो सिंपली 2 पाई बाय 60 पाई बाय 30 रेडियन पर सेकंड ये हो गया इसका आंसर सो दैट इज पाई बाय 30 रेडियन पर सेकेंड अब मिनट हैंड इसका कितना होता है टाइम पीरियड एक मिनट हैंड 60 मिनट 1 आवर में कंप्लीट करती है ना तो इसका 60 मिनट मीन 3600 सेकेंड फॉर मिनट हैंड 60 मिनट 3600 सेकेंड पाई बाय 1800 रेडियन पर सेकेंड सो दैट इज पाई बाय 1800 रेडियन पर सेकेंड फाइन अब आवर हैंड का टाइम पीरियड कितना है 12 आवर्स है ना 12 आवर्स में मान रहा हूं कंप्लीट करती है तो टाइम पीरियड टेक टू बी 12
सो दिस इज द आंसर. ओके अब हो गया ओमेगा का फियर दूर हो गया, सब कुछ कर लिया ओमेगा का, बस बहुत है. एक सेकेंड, व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड. सुरेश नोटिस्ड अ बिग ग्रेनाइट रॉक इन हिज लोकेलिटी. पहले सुन लो, मेन जो क्वेश्चन है वो बाद में आएगा, पहले ये सुन लो. सुरेश नोटिस्ड अ बिग ग्रेनाइट रॉक इन हिज लोकेलिटी. ही थॉट दैट इफ दे वर्कड अपॉन इट दे कुड अर्न मनी. ही टुक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, कंप्लीटेड ऑल द फॉर्मेलिटीज. ही ब्रोक द रॉक यूजिंग अ बॉम्ब. आपने मूवीज में देखा है बॉम्ब से वो एक्सप्लोजन करके रॉक्स को ब्रेक करते हैं. द रॉक वॉज मेड इन टू स्लाइसेस. They established the granite industry. Many of the people in the surroundings started to earn and live comfortably. आगे अब question ये है, वो लिखिए. A bomb is thrown in the horizontal direction. Bomb is thrown in a horizontal direction with a velocity of 50 meter per second. With a velocity of 50. मीटर पर सेकेंड. फिफ्टी मीटर पर सेकेंड. इट एक्सप्लोड्स इनटू टू पार्ट्स. इट एक्सप्लोड्स इनटू टू पार्ट्स ऑफ मासेस 6 kg and 3 kg. It explodes into two parts of masses 6 kg and 3 kg. The heavier fragment haan ji, the heavier fragment continues to move in the horizontal direction. The heavier fragment continues to move in the horizontal direction